हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका अपना अभी फ्रॉम एक्वेरियम से आज मैं आप लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि यार आप टैंक लेते हो, मार्केट से आपको टैंक मिलता है, बट ना उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। जो लिया होगा आप में से किसी ने तो लिया होगा, जैसे मैंने लिया था फर्स्ट टाइम, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। जैसे मेरा ये टैंक है, इसके पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मेरा न्यू टैंक है ना, जो मतलब ओल्ड टैंक है, सॉरी न्यू बता रहा हूँ, जो मेरा ओल्ड टैंक है उसको मैंने पेंट किया है, और बहुत ही, यकीन मानोगे दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट दिख रहा है वो टैंक, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट दिख रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे साथ मेरे जैसे दोस्त हैं जो अपना टैंक को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, मार्केट से कुछ चीज़ परचेज करने से अच्छा है कि यार दोस्तों, जैसे मैंने अपना टैंक कराया ना पेंट, वैसे कर लेना, और बने रहो मेरे वीडियो के साथ। अब देखो कि मैंने कैसे पेंट किया, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, ये टैंक जो मेरा पेंट हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि पेंट होने के 2 दिन बाद मेरा टैंक, जब मैंने 2 दिन बाद सेटअप किया, तो मेरा टैंक कैसा दिख रहा है आपको। दोस्तों ये देखो, मैंने अपना टैंक, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं अपने टैंक को पेंटेड पेंटेड टैंक बनाने जा रहा था, तो ये मैंने मेरा एक टैंक कंप्लीट हो गया। मैंने इसको ब्लू, पूरा बैकग्राउंड ब्लू दिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो अच्छी